धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अपार मेहरामत, तवारीखी दिहाड़िया की इस महान विरासत नूं माणदिया होया, जाणदिया होया, समझदिया होया, असी शामां दे सत्संगत दे समें नूं बतीत करदे हां, अहो भागी हां। महाराज जी ने समुची मानव कल्याण हेत जो सारे दा सारा वो शहादत दा दरिया वगाया, जिदा हर जर्रा, जिदी हर बूंद, जिदी हर लहर मनुखी जीवन में एक अलाही जंबूशे च लै जांदी है, उस दियां कुछ रिश्मां ते किरणां असी मान रहे हैं। सोट पा गई हाँ, आओ गुरु फतेह की सांझ दे नाल ही इसे वहा दे विच कुछ होर माणक मोती अपनी झोली पाईए। डेफिनेटली इतिहासक घटनाक्रम की बात करांगे, उदे पिछे वरत रहे वड्डे करतारी वरतारे की बात पाण दा यतन करांगे, जो बाणी दे आशे मुताबक आ। ते फिर उस सारे दी अज दे समें दे विच सिग्निफिकेशन ते बात होएगी। आओ सब तो पहलां गुरफतेह दी सांझ करिए। आवाज़ देनी जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी की पावन बाणी जिहदे किसे रंग नूं लै लईए, जिवें असीं कल विचार कर रहे सीगे कि आवो संत प्यारे, कथ की करें कहानियां कथ केरी, कित दुआरै पाईऐ तन मन धन, सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निआ पाईऐ। पिछे कुछ भी नहीं बचता, तन भी देता, मन भी देता, धन भी देता, ते हुक्म मन्निआ पाईऐ। जदों तन भी देता है, मन भी देता, धन भी देता, पौना किन्ने है? जो है ही कुछ नहीं कोल, तो फिर पाएगा की? असल च तू कुछ नहीं पाएगा, तेनू करतार पा लवेगा, तू दा रूप हो जाएगा। आपां आउंदे कल इत्थों तक बात लिजाण दा यतन करांगे, जो उलामा इकबाल ने कदी बात कही सीगी, वो कहिंदा कि शहीदों की कतलगाह से क्या बेहतर काबा। लोकी काबे की जियारत करन जांदे ते महसूस करते सी बड़े बड़े धार्मिक स्थान ते आए हाँ, या कोई अकीदत मुताबक किसी का कोई पूजनीक स्थान धार्मिक होए। वो बात करता कहिंदा, शहीदों की कतलगाह से क्या बेहतर काबा, उनकी खात पे खुदा भी परवान चढ़ता है। शहीद वो हुंदा है जिदे खून डुलण दे नाल खुदा दी खुदाई स्थापित हुंदी है। सो वो पा गया उस मरातबे नूं, उस रुतबे नूं, ते उहदा सफर, इसे करके लफ्ज़ यूज़ कीता गया सफरे शहादत। असीं उस सिर्फ सफर नूं ही उस सारे दे सारे तरीके कारता ते उस समें नूं कुछ लैवल ते विटनेस करन दा यतन कर रहे हैं। खैर आपां तवारीख दे रंग च वेखदे हां, गुरु गोबिंद सिंह साहब चमकौर की जंग तो बाद ऑल द वे माछीवाड़े पहुँच गए। खूह दे बिल्कुल किनारे टिंड दा सहारा लैके बहुत ही ठंडी रात, जिहदे च बंदे दा शरीर शिथल हो जाए, बिल्कुल कोल्ड स्टोन बन जाए, उहदे विच बहुत बेफिक्री दी नींद च मौजूद ने महाराज जी दे तीन प्यारे अनिन सिख। एक अगम्मी विश्वास च गुरु ने कहा सी, तारे दी सीध चुरे जाना है, मुलाकात होएगी। कोई होर संदेश नहीं, कोई स्नेहा नहीं, कोई पक्की जगह नहीं, कित्थे मिलना है। एक एक करके तीन ही उस जगह ते मुकाम ते आ जांदे ने। इहदे बिल्कुल दूसरे पासे आपां वेखदे हां कि बिल्कुल
उही रात माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादे मरिंडे दी कोतवाली च बतीत करदे ने। हुण कुछ उन्हां दा पिछला जिथों क्योंकि इतिहास के दोनों पक्ष असीं वेख लईए जे डेफिनेटली सरसा की एड्डी भयानक जंग हुई सब चीज़ा हुई जिदे च दो तरह के सानू सोर्स मिलते हैं। कुछ साढ़े सिख सोर्स ये कहते हैं कि गुरु साहब ने माता गुजरी जी नूं जदों किला छड्डन लगे तो सब दियां ड्यूटीज लाइया सीगियां किन्ने किन्ने किस रूप में काफिला लैके जाना है किस तरीके दे नाल। तो माता गुजरी जी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप आवाज़ मारी तो आवाज़ मार के क्या मां ये दो बेशकीमती बिल्कुल अपोल तो बस ये कह लो कि करतार की जोत रूप ही ये दो रूहां ने ते मां तेरे तो वध इन्हां बारे किनू पता है तेरे ते साहां च साह लैंदे ने। मां हालात ऐसे ने किसी रूप दे च भी कुछ नज़र नहीं पै रहा किसी नूं। इसमें छोटी तस्वीरें भी मैं बयान करनी चाहांगा कि ये चीज़ा अकस्मात एक्सीडेंटली यकदम एवें नहीं वापरिया। कुदरत जिन्हां चीज़ां नूं बहुत किते वड्डे रूप च देना चाहुंदी है ना तो उन्हां नूं घड़न वास्ते भी हालात बनाउंदी पूरे। इतिहास की मां असल च कुदरत होंदी है। कुदरत इस सारे मंजर नूं घड़ रही है। गगन चुंबवियां आवाज़ां रंजीत नगारे तो रोज़ निकलदियां ने। पहाड़ियां पहाड़ी राजयां दे सीने दे उत्ते सप लोटदे ने ये की बन रहा है ये की बन रहा है। क्योंकि बंदे लई किसे होर दी होंद नूं स्वीकारना तो भी अपने बराबर स्वीकारना तो जिन्होंने हजारा हजारा सालों तो अपनी सुपरमेसी की एक्सरसाइज की हो तो बड़ा औखा आ। वो कह गए हाउ कम ये कितों आ गए। फिर जिथे एहोजी बात होए कि सर्बसांझी वालता की बात हो रही है तो हर रंग धरती का उत्थे मौजूद है। मैं क्या इस खिते दे विच लोकी जिहड़ी प्रोस्पैरिटी सीगी जिहड़ी जिंदगी दे सुख सुखान दे साधन सीगे ओ ओपनली तो बिल्कुल ही नहीं सी माणदे क्योंकि ओपनली किवें माण सकदे सीगे आले दुआले तो लटेरियां दे रोज़ मजमे तुर के आउंदे सी किवें माण सकदे हो तुसी टोटली इनसिक्योर। जे तुसीं मानना भी है तो फिर मानना कित्थे आ पहाड़ियां दियां पहाड़ियां दियां चोटियां ते बैठ के किते लुक के किते छुप के इस रूप दे विच गुरु साहब ने जाहिर पातशाही का मंजर लिया। महाराज जी ने सामने बेशकीमती चंदोवे तान दिते बेशकीमती घोड़े साधन संसाधन हर चीज ते बंदे नू सिर्फ चंगा फूड सॉलिड फूड के रूप में थोड़ा चाहिए आ। बंदे नू ते जिंदगी जीण वास्ते हर तरह के रंग चाहिए ने हर तरह के रस चाहिए ने। महाराज के घर के 52 कवि बैठते हैं। अलाही तो अलाही कमाल तो कमाल दियां उत्थे नज़मां उत्थे नगमे उत्थे केड़ी चीज़ नहीं है। उत्थे हर तरह की तो खेड हो रही है। उत्थे महल्ले चलते ने घोड़सवारियां होंदियां ने घोल हुंदे ने जिंदगी का हर रंग उत्थे बिल्कुल अपनी आभा नूं माण रहा है। तो जो इस लैवल ते बात होएगी तो जिदी बिरती भेड़िए वर्गी है वह कहेगा भी हद हो गई मैं मेरे हुंदियां कोई होर जिंदगी आले दुआले माण जाए कोई होर जिंदगी नूं जी जाए फिर मेरा जीना किस अर्थ आ। तुसीं उह कहानी जरूर सुनी होनी है जिन्हों माइट इज़ राइट भी कहा जाता जिदे मोरल भेड़िया पानी पी रहा आके कई बार लोग कहेंदे उंदर इंद्र भूषण बैनर्जी हिस्ट्री ऑफ सिक्स विच लिखता कहिंदा इट्स टोटली इंपॉसिबल टू अंडरस्टैंड वाई दीज एक्चुअली
माउंटेन्स किंग वर सो मच अगेंस्ट ऑफ गुरु गोविंद सिंह साहब. देयर इजंट एनी डायरेक्ट लाइन ओवर हियर व्हिच वी कैन एक्चुअली फॉलो एंड वी कैन सी यस या दैट इज द ओनली वन रीजन ओवर देयर. नो, कारण की है. कारण यह बनता कि वह कहानी कहती पंचतंत्र की कि भेड़िया आके पानी पी रहा दरिया तो पानी पी रहा तो बिल्कुल उपरले पासे एक पेड़ का बिल्कुल कम सिन मासूम बच्चा वह आके पानी पीण लगा. भेड़िए महसूस होया हद हो गई, जितों मैं पानी पियाँगा उतों ये पानी पिएगा, ये मेरे बराबर खड़ा आ. अच्छा कोई ना, मैं इनू यदी होंद हुणे मिटा देना. ये गुस्ताखी किवें कीती है ना. अगे वध्या ते जाके उन्हूं कहिंदा है, ओए तैनूं पता नहीं जंगल दे कानून दा. वो कहिंदे की है. जंगल दा कानून यह है कि साडा कोई पानी जूठा नहीं कर सकता. पानी जूठा कीता. वो भेड़िया बेचारा कहिंदा है, वो भेड़ दा बच्चा कहिंदा है, कहिंदा जी जहां पना मालको गल यह है कि तुहानू भुलेखा पिया, पानी तुहाडा जूठा मेरे वल नूं आ रहा, मैं पी रहा, देखो पानी दा वहा एवें है. उन्हें क्या गल बनी नहीं. कहिंदा गल यह है कि ना तेरे जो हैगा कि तू मैनू कोई 6 महीने पहला मैनू याद पैंदा, तू मैनू गालां कढ़ियां सी फलां जगह ते खड़े हो गए. वो कहिंदा कि तुहानू फिर गुस्ताखी हुई है या गलती लग रही है तुहानू, मेरी तो उम्र ही सारी 3 महीने है. वो कहिंदे भी गल नहीं बनी. कहिंदा हुण की कीता जाए. कहिंदा कि गल यह है कि अच्छा मैनू याद आया तू नहीं कढ़ी होनी, तेरे भरा ने कढ़िया होणगियां, भरा वड्डा ते है. कहन लगा नहीं जी मैं भरा भी कल्ला ही हाँ. वो कहिंदा हद हो गई, करां ते करां की. अखीर बात आई, कहन लगा अच्छा प्यो ते है तेरा. कहन लगा हाँ. बस कहिंदा फिर उन्हें कढ़िया होनियां ने. एक कह के उन्हें चपट्टा मारता. जिन्ना लोगों ने सोसाइटी दे विच तगड़े हो के जिन्हों क्या महाराज बयान करते ना, असंख चोर हराम खोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, ये बिरति है. हुण इस बिरति दे विच जीण वाला बंदा वो किवें बर्दाश्त करे. पर गुरु ते अंदरों निर्वैर है ते सब दा भला करन वाला है. तो गुरु कोई वक्ती तौर पर तब्दीली भी नहीं लियाना चाहता. गुरु एक धरती के उत्ते स्थापती दे विच एक विश्वास लियाना चाहता आ कि जदों बंदा बहुत डोल रहा होए, आले दुआले फसीनो आतिश जुलम की हनेरी वग रही होए, बार विडानड़े हुमस तुमस कुकां पईयां राही बंदे नूं जंगल वर्गी इस बड़वा चार चपेरे बलदी हुई अग दे चों कुछ भी नजर ना पए, उदों भी एक किरण उहनूं दिसे करतार अकाल पुरख वाहिगुरु. उहदे विश्वास दे विच जदों तुरे ते फिर अल्टीमेटली उस जित दे जिहड़ा हैगा उहदे टेस्ट नूं उहदे स्वाद नूं माण सके. महाराज उस रंग नूं विखा रहे ने ते विखा रहे ने किसी देवी देवते या किसी खास सुपरस्टिशियस किस्म की या कोई कह लो कि सुपर नैचुरल पावर की डायरैक्ट आमद नाल नहीं, मनुख दे रूप दे च वरते जा रहे एक विहार के जरिए. तो उस विहार दे विच मोस्टली असीं इह कहिंदे आ कि मैं तो बड़ा कमजोर जिहा बंदा आ, अदना जिहा बंदा है, यू नो आई डोंट हैव मच पावर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. बाबा जी कहिंदे हर बशर कर सकता आ. इहदी मिसाल आ इत्थे जदों इस रूप च असीं देखदे आ. हुण मैं थोड़ा इतिहास दा रंग तुहाडे सामने बयान करा. महाराज माता गुजरी जी नूं कोल बुलाउंदे ते कहिंदे मां इन्हां लालां दे साहां दे विच ही तेरे साह धड़कदे ने, पर मां जिहो जिहे हालात बन रहे ने हुण इन्हां नूं पालण दी कल्ली गल नहीं गई ना. मां दोनों बाहां एवें फड़ियां ने ते माता गुजरी वल नूं एवें गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कीतियां ने ते कहे मां हुण इन्हां नूं संभालण दी लोड़ है, इन्हां नूं हुण संभाल लई तूं. माता गुजरी जी गुरु महाराज दे मां ने, गुरु के महल ने एक ऐसी अलाही दानशमंद रूह है. माता जी ने दोनों बाहां फड़ियां कोल नूं बच्चियां नूं कीता, कुट के बाहां दे कलावे च लै लिया ते लै के कहा मेरे लाल
धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एड्रेस कर दिया हुआ, मेरे लाल मैनू तेरे वालों ये सलाह नहीं गई, मैं तेनों अपना गुरु जान के मैं हुक्म मनांगी। इत्थे गुरु संस्था आ गई हुण पूरी तरह, जिहड़ी मैं बात करन लगा सीगा ना कि तन मन धन सब सौंप गुर को। एक लैवल ते बंदे दा शरीर भी जवाब दे जांदा, उम्र दा तकाजा हुंदा, बंदे दी सुरत भी जिहड़ी उह धुंधली हो जांदी है। क्यों? क्योंकि उमरां दे तकाजे ने। पर जिथे आके पता लग जाए ना कि मेरे गुरु का विजन ते मिशन आ, फिर उन लगता है कि बस एक कार्य उदा आ मेरे जरिए होना है, मैनू मालक ने आप शक्ति देनी है, मैं कर गुजरना आया। इत्थे आ गुजरी, एक कर गुजरना आ, ये है गुजरी। मां नूं इहदा कुछ इशारा मिलिया आ, कोई वड्डा वापरन वाला आ। अदरवाइज सरहिंद पूरे खिते का सिर, तो उस सिर के उत्ते भी एक ऐसा कर्म होना आ, एक ऐसी उस वक्त का अमल होना है जिस अमल नूं धरती ते तुसी किसे रूप दे विच भी लिया नहीं सकते। तुसी बिबलीकल लिटरेचर पढ़ लो, प्री बिबलीकल लिटरेचर पढ़ लो, इस्लामिक लिटरेचर पढ़ लो, नॉन इस्लामिक लिटरेचर पढ़ लो, वैदिक लिटरेचर, नॉन वैदिक लिटरेचर, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, एंशियन, मेडिवल, एनी टाइप ऑफ, एंड यू कैन नॉट प्रेजेंट एनी एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ दिस मार्टरडोम, दिस काइंड ऑफ यू कैन से मार्टर एक्ट। देयर टू इंडिविजुअल्स, देयर इज सो एक्चुअली तुसी तां अंदाजा भी नहीं ला सकते। मैं कई बार बेनती करदा, आउंदे कल बात करांगे पूरे रूप दे विच। एक 6 साल का बच्चा साडे घरां च हैगे ने, बच्चे 5-6 साल के बच्चे नूं लिविंग रूम दे विच्चों एक मैसेज दे के भेजो भी ना किचन दे च मां नूं जाके कह दे कि 4 कप चाह दे बना दे, विच एक कप जिहड़ा हैगा वह फिक्का होए ते एक कुछ खाण लई समान दे दे, या एक दा मैसेज होर, 5 मैसेज इकट्ठे उहनूं दे दिओ। जिहड़ी चाइल्ड साइकोलॉजी दे विच ए एक्सपर्ट्स कहिंदे ने, वह बच्चा 5 मैसेज उस सीकुएंस जाके कन्वे नहीं कर सकता मां नूं। लिविंग रूम तो फैमिली रूम तो किचन तक जांदिआं होइआं आप अंदाजा लाओ वो कैसी सुरत होएगी। एक दिन नहीं, 3 दिन तसीहे चलने ने। तो शुरुआत कैसी है, हुण उहदा नाल मंजर लै लो थोड़ा जिहा। हालात ऐसे जिन्हों असी कह लिए कि मुगल हाकम सिपाही या पहाड़ी रजवाड़े। सौं की अहमियत की होंदी है सानू ना, इत्थे साढ़े बड़े प्यारे सज्जन हैगे ने कोर्ट सिस्टम में काम करते ने, तो उन्हें कहा कि जे सिख ने सहुं चुकनी होए तो कोर्ट दे विच गुटका साहब ले जा सकते हैं। सानू शायद इस गल का किसी नूं पता नहीं हैगा, सिख सहुं नहीं चुकदा, सानू कोई अंदाजा नहीं है सिख सहुं नहीं चुकदा। सिख का कहना ही सहुं है, क्योंकि लोगों नूं एहसास नहीं गा गुरु ने सिखाया की है। जिन्होंने सहुं चुकी अपने धार्मिक ग्रंथां दी, मोमन लखारी हकीम अल्लाह यार खां जोगी, वह कहिंदा धोखा दिया हर सिंह को पैमा शिकन्नों ने, बेमेहरों ने बेधर्मों ने ईमां शिकन्नों ने। कहिंदा हद हो गई, धरती का किहड़ा पैमाना किहड़ा मैजरमेंट लाणगे जदों ये जस्टिफाई करनगे असी सहुं किवें चक्की ते असी सहुं क्यों नहीं निभाई। जिहड़े सहुं चुकदे ही नहीं, जिन्हां वास्ते जिहड़ा हैगा सूर बीर बचन के बली, गुरु साहिब दी बाणी है महाराज कहिंदे ओ लोक जिन्हां दा बचन ही सूरियां दा है, जिस दे बचन दे विच ही रब वसदा, कहता जे बचन खड़े होके इस रूप विच कहता। गुरु तेग बहादुर साहब ने की कीता, महाराज ने कोई अहद तो नहीं चकिया, कोई सहुं तो नहीं चकी, कुछ नहीं, एक बचन कहा। कहणगे औरंगजेब नूं जाके कह दिओ कि भाई सानू गुरु तेग बहादुर साहब ने आ वचन दे दिता है। वचन की है कि भाई जे उहदा कलेजा किसी का खून डोल के रजदा आ तो वह सोचता आ कि हर बंदा डर दे नाल धर्म छड़ देगा, एक बार गुरु तेग बहादुर साहब नूं जाके जिहड़ा हैगा मिल लवे, उहनूं देख लवे जाके। मैं भावें इस मजहब नाल इस धर्म नाल मेरा दूर का वास्ता नहीं, पर मैं इन्हां दे हक च हा दा नारा मारदा आ,
ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਬੀਜੈ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਖ ਮਗਦੀ ਵਾਹੀ ਘੋੜੇ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਸੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਸੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਰਸਾ ਮੇਂ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਯੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਿਫਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਤੇ ਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਣ ਕੀ, ਵਰਨਾ ਮੱਟੀ ਤੱਕ ਉਡਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਚਮਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਿਫਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਫਰੇ ਨੇ, ਬਿਫਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਓਏ ਭਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੇ ਦੀ, ਧੋਖੇ ਦੀ, ਦਗੇ ਦੀ, ਫਰੇਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਸੇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਫੇਅਰ ਮੀਨ ਫੇਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਅਹਿਦ ਲਏ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 2% ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 2-4 ਵੱਧ ਜਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਓਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਤੀਜੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਚੌਥੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਵਪੁਰਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਪੇ ਹਮੇ ਛੋੜ ਕੇ ਰਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੜਪਾ ਕਿਹਾ ਸੁਰਤੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਅੱਬਾ ਬਗਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ।
आखिरकार मां दसते सही किधर गया सारे का सारा काफिला। दाती कोई जवाब नहीं गा, पर दाती नू एहसास जरूर है कि जो मेरे लाल ने गुरु की जोत विच इस रूप विच कुछ बात कही है, उस बात दा, उस संभाल दा अब पहला कदम, पहली जेड़ी है उदी शुरुआत हो चुकी है। ये पहला पड़ा है असल दे विच। आप चार लावां पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के विच। तुसी साहबजादियां दी सालमी दा हाल देखो, चार ही पड़ा पैंदे ने इहदे च। पहला पड़ा कुम्मे माशकी दी जगह आया, दूसरा पड़ा कंगू दा घर आ, तीसरा पड़ा ठंडा बुरजिया, चौथा पड़ा कचहरी दियां नीहां ने। इस तरह कह लो एक एक पड़ा दे नाल उस सच दे नाल बस प्रणाए जा रहे ने। पहले पड़ा दे विचों दादी तो पूछ रहे ने, दादी हो की रहा आया। इसनों हकीम अल्लाह यार खान जोगी इशारियां च बयान करता, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमें छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सुरते माही किधर गए, अल्लाह भगा के लश्करे शाही किधर गए। दादी को लफज नहीं गए कुछ कहने वास्ते। बच्चा तुसी कद देखा हो बच्चा ना सवाल करके कई बार जवाब का इंतजार नहीं करता, ये तो दो रूहां ने। तो फिर जो दादी जवाब नहीं देंदी तो फिर दूसरी रूह जिहड़ी है वह जवाब दे रही है। वह दूसरी रूह जवाब की दे रही है, वह ये कह रही है एक एतराज दे विच, कहिंदे अल्लाह अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए, कहिंदे भाई भी हमें भूल गए, शौके जंग में अपना ख्याल तक नहीं आया, जोके तुफंग में। इन्हें कि एहसास नहीं उन्होंने, उन्होंने एहसास आ कि लोहे दियां टनकारां खड़क रही ने, मैदाने जंग का दौर आ, हालात कोई सावे नहीं गए। उस करके वह कहिंदे अच्छा बाकी तो बात छड़िए, जिहड़े भरा जिहड़े वीर एक पल भी सानू सज्जे खब्बे नहीं सी करदे, वो दोनों भरा सानू दोनों कल्या नू छड़ के तुर गए, सानू दोनों कल्या नू इत्थे इस रूप दे विच त्याग इत्थे जिहड़ा हैगा कल्या नू त्याग करके साडे कोल दूर चले गए। इस रूप विच एतराज़ दे उस बात नू कह रहे ने। खैर जदे बात कही है ना तो फिर पहला फिर उस हकीम जी दे बचन देखो। मैं सोचदा हाँ हकीम अल्लाह यार खां जोगी तेनों भी नमस्कार ही है, किवें तू इस सारे प्रसंग नू सिरजी आया। वो कहिंदे जदों इस रूप में बात करता ना कि भाई भी हमें भूल गए, शौके जंग में अपना ख्याल तक नहीं आया, जो के तुफंग में, कहने लगा कोई गल नहीं। दूसरा कहिंदा तू चिंता ना कर, मैनू पता आ मेरे वीर दा, मेरे भरा दा, मेरे पिता दा। कहिंदा जब रण अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के संग जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हरेक से हम रूठ जाएंगे, माँ कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, गले लगा के हमें कहेंगे बार बार मान जाओ मान जाओ, हम नहीं मानेंगे जिनहार। कौन दसे जिन्होंने तुसी उड़ीक रहे हो वो मैदाने चमकौर दे राह पै चुके ने। ये मंजिल बिल्कुल वक्री है। उन्होंने धरती दी एक उस जंग का उत्थे सिरनामा पाउणा आ जिहड़ा ता उम्र तक जदों तक लोग मिसाल देणगे ते कहणगे जे लड़ना है तो उस तरह लड़ो जिवें चमकौर दी गढ़ी दे च गुरु के प्यारे लड़े सीगे। जे मैदान पिया है तो जूझना उस रूप दे विच आ। मैं रीसेंटली डॉक्टर स्वयमान सिंह की एक इंटरव्यू वो सुन रहा सीगा। वो कहिंदे कि इंटरव्यू करन वाला उन्होंने पूछता मेन स्ट्रीम का कोई जर्नलिस्ट आ, वो कहिंदे टेल मी द डे वैन एवरीथिंग वाज थिंग एक्चुअली सीमिंग इट्स गोना बी एक्चुअली नाउ ओवर एंड देर वर सम पीपल हु वर थ्रोइंग सम स्टोन्स टूवर्ड योर क्राउड, हाउ वाज योर फीलिंग, वट वॉज गोइंग ऑन इन योर एक्चुअली इमोशंस। तो डॉक्टर सुहमान कहिंदा है एक्चुअली देखो एक कुदरत की खेड ही होंदी है, मैं बिनती की कोई वड्डा हो रहा होंदा। वो कहिंदा कहिंदा असल च गल होई कि जो सारा कुछ हो रहा ना तो मैनू असल दे विच चमकौर की गढ़ी याद आ रही सी। मैनू याद आ रहा सी वो समा जो इतनी वड्डी विपता होएगी, सारा कुछ होएगा चार छपेरे, मेरा गुरु मेरे सिखां नू की दस रहा होना। हुण इस तों भी पिछे आ जाइए, दादी मां जो तो सारी गल बच्चों की सुनती होएगी,
आहार करो बच्चियां नू की कहेगी, की कह के तारस देगी। एक छोटा जिहा रंग होर ऐड कर देना इहदे नाल। मैं खुद एक बड़ा रैशनलिस्ट वे नाल थिंक करन वाला बंदा हाँ। कई बार सज्जन ने पूछ दे कि जो साढ़े को बड़ी बिपता होए ना, असं गुरु के घर आने, असं गुरु अगे अरदास करते हैं, आके गुरु बौड़ी करी, गुरु साड़ी बांह फड़ी, गुरु सुख दई, सानू दुख नू टाल दई। आखिरकार जदों असीं आ सारा इतिहास पढ़ते हाँ तो पता लगता गुरु का तो अपना परिवार दुख चो लंघ रहा। आखिरकार गुरु गुरु की कला क्यों नहीं वापर रही, गुरु क्यों नहीं बोड़ी कर रहा। ये बच्चे ये गुरु की मां ये अरदास ना करती होएगी कि विपता का समा आ रहा है, रब गुरु अकाल पुरख बोड़ी करी। ये भाई गुरुदास जी की एक वार है बड़ी प्यारी, वो बयान कर दे कहिंदे धरती दियां कुछ चीजां नूं समझो बड़े ध्यान नाल। कहिंदे पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जै, सिर करवत तराए कै सिर चढ़िया भज्जे। कहन लगे कदी तुसी ध्यान नाल देखो, जिहड़ा पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जे, कि जिहड़ा पानी है, पानी दा दुश्मन की है, अग। ते अग किहदे विच हुंदी है, लकड़ दे विच। तुसी लकड़ बालो तो लकड़ बाल के उत्ते पानी का पतीला रखो तो लकड़ की अग जिहड़ी पानी नूं उड़ा के जिहड़ी है वह बिल्कुल अफूर कर देगी, हवा विच भाप बना देगी। कहन लगे कमाल आ, पर उही पानी उस जिहड़ा आ जिहड़ा खास करके लकड़ आ दरखत आ, उस दरखत की लकड़ जदों पानी दे विच पा दित्ती जाए तो पानी हर चीज़ डोब देंदा, पर वो लकड़ नहीं डोबदा, लकड़ धरती रही। कहिंदे दा कारण आ, कारण की है, क्योंकि पानी पाले की लज रखता आ, लकड़ दरखत पानी का पुत्र आ। ते प्यो जिन्ना मर्जी पुत्र माड़ा होए आखिरकार उन्हूं डुबण थोड़ा देगा। भाई गुरुदास जी कहिंदे पानी काठ ना डोबई पाले की लज्जै, सिर करवत तराए कै सिर चढ़िया भज्जै। तुसीं इह भी देखो कई वार अपने पुत्र का दुश्मन, पुत्र का दुश्मन कौन है, लोया। लोया कट देंदा ना दरखत नूं, ते हुंदा की है जिस आरे दे नाल दरखत कटिया गया कई वारी ओही लोया, वो जिहड़ा लोया नूं कट रहा है वह लकड़ दे नाल मड़ के पानी विच पै जांदा। कमाल ए है, पानी कला अपने पुत नूं नहीं बचाउंदा, बल्कि जिहड़ा उहदा दुश्मन है जदों किते उहदे पुत्र नाल दोस्ती ला लैंदा उहनूं वी नहीं डुब्बण देंदा, उहनूं वी तार देंदा। किसी ने कहा भाई गुरदास चंगा प्यो लभ्या, बाकी तो सारे पुत नहीं डोबदा, बाकी सारे पुत ते जिहड़ा है वह तार लैंदा आ, पर एक पुत जिहड़ा सब तो काबिल आ, सब तो लायक आ। असी तो साहबजादियां दे पैरां दी रों वर्गे भी नहीं हैगे। असी अरदास करिए तो साडी अकीदत हुंदी है साडी गुरु बांह फड़ेगा, साडी रब बांह फड़ेगा, तो असी वक्त बा वक्त कहिंदे आ गुरु ने हाथ दे के बचा लिया, रब ने हाथ दे के बचा लिया। तो इत्थे इत्थे इतने मतलब बिल्कुल मासूम जिंदा, तो गुरु की अपनी मां, तो गुरु गुरु बौड़ी नहीं कर रहा। भाई गुरुदास जी बयान करते सच है, पानी काठ नहीं डोबदा, पानी लकड़ नहीं डोबदा, पर एक लकड़ पानी जान के डोबदा। अगर डोबै जान कै निर्मोलक धज्जै, अगर सब तो बेशकीमती लकड़ धरती ते पता केड़ी है, चंदन की लकड़। चंदन की लकड़ की पहचान होर कोई नहीं गी, क्योंकि चंदन के नेड़े कोई होर लकड़ रखोगे उहदे विचों चंदन वर्गी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तुसी उत्थे पंज लकड़ां रख दिओ, पंजां चों खुशबू आ रही है, तुसी नहीं पछाण सकते किहड़ा असली चंदन आ, क्योंकि सारे इको जी खुशबू दे रहे ने। हाँ, जोहरी नूं पता आ असल सैंडलवुड केड़ी है, असल चंदन की लकड़ केड़ी है। वह की करेगा, वह चारे पंजे लकड़ां नूं चुकेगा, पानी के बाटे च पा देगा। जिवें पानी दे बाटे च पाएगा, जिहड़ी सब तो कीमती लकड़ चंदन आ, वह डुब के थले चली जाएगी। असल च कुरबानी गुरु ते अकाल पुरख वाहिगुरु दे सुपाणे च हो रही है। जो स्थापित करना चाहुंदा आ, मैं एक दिन एक बात कही सी छोटी जी, समा जा रहे मैं वाइंड अप करन लगा।
कविता ऐसे बहुत कुछ कहा जा सकता, नज़मां ही बड़ियां लिखियां गईयां साडे दे उत्ते। जदन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई ना, तो महाराज आप अपने कातल को तुर के गए सीगे। मतलब पहली बार है कोई मकतूल अपने कातल को तुर के आया तो उन्होंने कहा कि तू मेरी सरफरोशी का जिहड़ा है मंजर वेख ला। तो उत्थे जो कुछ उन्होंने किया गुरु साहब को डराने वास्ते, सहकाने वास्ते, जो हुण साहिबजादे दे राह अगे होना सारा, वह नज़मकार लिखता भी किस तरह किया उन्होंने वर्ताओ जिहड़ा सीगा, भी मती दास नूं आरे नाल चीरिया, जद सती दास नूं जदों जला बैठे, गली दाल फिर भी नहीं दुश्मनां दी देगे विच दयाले नूं पा बैठे, कहन लगे मारिया सिखां नूं तुहाडे सामने, जिंदा तुसीं भी हुण नहीं रहण लगे, करो दीन कबूल या मरन लई तैयार हो जाओ, गुरु तेग बहादुर नूं कहण लगे। हस बोले गुरु तेग बहादुर, ओ ना मैं डरन आया ना मैं डराण आया, लोकी चाह नाल जिंदगी लभदे ने, मैं चाह नाल इस थां मरन आया। किसी ने उहदी व्याख्या कीती, ओ कहिंदे कवि जी किहड़ी गल कर रहे हो, चाह नाल इस थां मरन आया, क्यों चाह नाल क्यों मरन आए हो, की लोड़ है मरण दी, तुसी गुरु हो पेशवा हो, तुसी अपने उस अपने जलवे नूं विखाओ, मजे नूं विखाओ, तो सब कासे नूं ठीक कर दिओ। फिर उहदी अगली व्याख्या सुनो, कहन लगे जिहड़ी कविता दा अगला हिस्सा, कहन लगे लोकी चाह नाल जिंदगी लभदे ने, मैं चाह नाल इस थां मरन आया, क्यों मरण बाज नहीं उसका बदल मिलना, जो जो अज मजलूमां ते बीतियां ने चेते रखिया जे, जो मजलूमां ते बीतदा उन्हां मजलूमां दी तुसी जिन्नी मर्जी रखिया कर लो, वो हमेशा कोई सेवियर लभदे ने, कोई सेव करन लई आएगा, कोई बचाण लई आएगा। बाबा जी ने कहा ना, करतार दी ओट है, गुरु दी ओट है, संगत दा आसरा है, पर जे तू अपनी ओट आप नहीं लै रहा ना, धरती ते कोई ताकत नूं बचा नहीं सकती। ये बच्चे उस स्वयमान नूं जगाणगे। कुम्मे माशकी दी झोंपड़ी तो गंगू रसोईया गुरु साहब नूं अपने ग्रह लै गया, अपने घर लै गया। तवारीख जिहड़े रंग बयान करती है बा कमाल ने। देखो असीं कहिंदे गंगू लालच च आ गया, स्वार्थ च आ गया। गंगू गुरु घर का रसोईया आया। महाराज की पावन बाणी बचन पढ़िए, महाराज बयान कर दे कि ज्यों कूकर हरकाया तां वै दह दिस जाए, लोभी जंत न जाणी पख अपख सब खाए। कुत्ता जिहड़ा आ ना, ये मालक का बड़ा वफादार हुंदा, बहुत इहदी मिसाल दित्ती जांदी, कहिंदे वफा सिखणी है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न एक्चुअली वट इज़ द लॉयल्टी, दैन ट्राई टू सी अ डॉग, कुत्ते नूं वेख। पर सच यह है जदों कुत्ते नूं एक बीमारी वापरती है ना, हलक, वह पता ही करता सब तो पहले अपने मालक नूं वढ़दा जाके। तो धरती के उत्ते मनुख दे जिहड़ा सब तो वड्डा हलक आ वह लालच है। जिथे लालच आ जाए ना, ये गुरु साहब जिहड़ा राह चला रहे ना, आप आनंद साहब पढ़ते हैं, भगतां की चाल निराली बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, भगती का राह है। जदों असी इतिहास पढ़ते हाँ, बहुत गुरबत गरीबी च रहने वाला शख्स आ नूरा माही, महाराज ने माछी वाड़े तो तोरिया, उन्हूं पता लगा जा जिहड़ा परिवार का हिस्सा पिछे बचिया, सिखां का कुछ हिस्सा बचिया, सारा वह पता लैके आ। उन्होंने सी जगीरां दिसदियां, रुतबे दिसदे ना, ते गुरु घर का कोई बहुत वड्डा अनिन सेवक भी नहीं, पर एक सुरत सी जिने गुरु नूं पहचाणिया। चार दिन बाद मैं सोचदा जे कि नूरा माही जाके दस दिना, मैं तो गुरु के कोलों आया, फौज लैके चलो मैं फड़ाना जाके ना। ये सारा इतिहास जिहड़ा है ना, ये वफा ते शहादत इन्हां दोनां दे आपस च मिंगल होके चलता है, गुझ के चलता। आउंदे कल शहादत की पूरी बात पावांगे, अज वास्ते समा समाप्त आ। इन्हां बाबिआं दी दास्तान दे बाबत देखो, इत्थों अरैसटिंग होएगी इन्हां दी, अगे जाणगे सब चीज़ां होणगियां, पर सारे दे विच असीं कई वारी सोचते हाँ कि अकाल पुरख वाहिगुरु का की भाणा ते की हुक्म है, दे विच
महाराज जी की बाणी के पावन बचन ने महाराज कहिंदे साहिब संकट वै सेवक भजै चिरंकाल नहीं जीवै दो कुल लजै। जदों साहिब संकट च होए तो साडा तो साहिब ही असूल है। ये बच्चे किसी होर चीज़ वास्ते नहीं लड़ रहे, अपनी जान की परवाह नहीं, किसी चीज़ एक चीज़ की परवाह आ असूल। साहिब संकट वै, जदों असूल किसी संकट च आ जाए भाव बंदे नूं लगे मेरे होंद रखिया असूल टुटदा आ, वह कहिंदा त्रिकार आ इहो जिही होंद नूं, मैं अपनी होंद मिटा देंगा पर मैं अपने असूल ते पहरा देंगा। गुलामां दा वाक कह के बचन समाप्ति कर देना। ये मंजर इतिहास का तवारीख का देखोगे, वो कहिंदा कुछ समय ऐसा भी आउंदा संसार दे विच कि जदों दाद देती है गर्दिशें दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत झुक के सलाम करती है। ये बच्चे मौत दे सिजदे लैणगे, हुण इहदी बात करांगे आउंदे कल। अज वास्ते मैं इत्थे समाप्ति करदा हाँ, कोटान कोट नमन करदे हाँ। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।